हाय एवरीवन, रेहाना किचन में आज बनेगा डिफरेंट स्टाइल की यूनिक रेसिपी जो मेथी से मैं बनाऊंगी। कुछ में पालक के पत्ते हैं, आप चाहो तो सिर्फ मेथी या पालक से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको पसंद है उससे आप बना सकते हो। मेथी के पत्तों को थोड़ा सा जो सॉफ्ट डंठल होते हैं वहाँ तक आप ले लो, अच्छे से धो लो और पानी इसका अच्छे से निचोड़ जाए। फिर इसको एक बाउल में रखते, इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी और थोड़ा सा नींबू का रस, क्योंकि मेथी कड़वा होता है, इसका कड़वापन भी निकालेंगे और इससे मेथी के डंठल जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, स्टीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से करके आप मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि मेथी का पत्ता और डंठल दोनों का कड़वापन भी निकालना है और दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए हम रेस्ट देते हैं। ये बिल्कुल 2 मिनट में एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बेसन डालेंगे। मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है, आप बेसन अलग से भी कर सकते हो। 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाले हैं, 4 हरी मिर्ची ले लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता है, 2 लहसुन की कली, थोड़ा सा अदरक है, अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है। इसको हम खलगर बट्टे से थोड़ा सा खल लेते हैं, इसको भी सब हम डाल देते हैं। वाइट तिल है, हाथ से मैंने क्रश कर लिया है। वाइट तिल तिल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अभी और देंगे वाइट तिल। और नमक है स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे, क्योंकि हमें पत्ते को ज़्यादा मसलना नहीं है। पहले हम कर लेंगे इसमें कितना बेसन लग रहा है, अभी 1 चम्मच और बेसन इसमें लगेगा, 1 चम्मच और हम बेसन डाल देंगे। इसका जितना पानी था सब बेसन सोख कर लिया है, अब हम हल्का हल्का पानी डालेंगे इसमें। इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, देखिए कितना अच्छा हो रहा है। इसको 1 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। एक इस तरह की छेद वाली थाली ले लेंगे स्टीम करने के लिए, इसको तेल लगा देंगे अच्छे से। थाली में पानी रख लेंगे, पानी में उबाल आने लगा है इसके लिए प्लेट छेद वाले रख देंगे। दोनों हाथ पे पानी लगा लेंगे ताकि बेसन हाथ पे पकड़े ना, और इसको अच्छे से, आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गोल शेप में रखा है, इस तरीके से लंबा कर दूंगी। टाइट हाथों से ही करेंगे। मैंने बताया था कि तिल और लगेगा, तिल कहाँ पे लगेगा, इस तरीके से प्लेट में हम फैला लेंगे और इसको इस तरीके से घुमा देंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएंगे और देखने में भी बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। इस तरीके से देखिए हम कर देंगे, इस पे रख देंगे इस तरीके से, कम से कम इसको 8 से 10 मिनट लगेगा स्टीम देने के लिए, और किसी चीज़ से हम ढक देते हैं।
हो गए हैं। इसको खोल के चेक कर लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से कुक हो गए हैं। अच्छा हो गया है। इसको गैस को कर देते हैं बंद और ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए एकदम ठंडा हो गया है। इसको पतले पतले पीस में कट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, इजी कट जाते हैं। तरीके से हमने पतला पतला पीसेज कट कर लिया है। तेल को अच्छे से गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है। एक एक पीस इसमें हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। पहले अच्छे से तेल गरम कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पलट लेते हैं। ये कितना अच्छा टेस्टी बन के रेडी होगा। हमारा भी बन के रेडी हो गया है। इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी और देखने में इतना मस्त है। इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए कितना परफेक्ट बना है और इतनी टेस्टी, इतनी क्रिस्पी है कि आप यकीन नहीं मान सकते कि ये मेथी और पालक से बना है।